मोपिकी लिखी है। लोगों की जिंदगी पर बहुत फिल्में बनी है, मैं भी किसी की बायोपिक लिखूंगा और उस पर फिल्म बनाऊंगा, पर कैसे कैसे और किसके ऊपर लिखूं? ओए मुटु मेरे भाई, मेरी यार, मैं इतना महान साइंटिस्ट हूँ, मेरी बायोपिक लिखो यारी। अरे भाया, मेरे समोसे दुनिया भर में फेमस है, मेरी आत्मकथा लिखो। हाँ भैया भाव उठो, मेरी बहादुरी पर लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और किसी के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी, बायोपिक तो सिर्फ मेरे ऊपर बनेगी। लेकिन बॉक्सर भैया, आपके ऊपर क्यों? ओए, मैं एक महान बॉक्सर हूँ, और कितनी मुसीबतों को झेल के बॉक्सिंग चैंपियन बना, फुरफुरी नगर का नाम रोशन किया मैंने, मेरे ऊपर बायोपिक होनी ही चाहिए, बननी चाहिए। पर आपके लाइफ में कोई टर्न या ट्विस्ट नहीं है, थोड़ा सा मसाला भी तो होना चाहिए। हाँ? डालो मसाला, डालो जी भर के डालो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे ऊपर बायोपिक नहीं बनी ना, तो फिर ये लो। बॉक्सर की बायोपिक मैं कभी नहीं लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल से बॉक्सर भैया के ऊपर ही फिल्म बनाना ठीक रहेगा यारी। ओली बाबा, हमारा 20 साल के तजुर्बे में बॉक्सर से महान कोई नहीं देखा। भैया माया, बॉक्सर बहुत महान है, महान से भी महा महान है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, जैसे कि बॉक्सर भैया हमारे पीछे है। मोटी मेरी पै मेरी यार, बॉक्सर जैसे महान इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है यारी, उस पे लिखो यारी। अच्छा, तो फिर मैं महान आदमी नहीं हूँ, हो कि नहीं हूँ, अभी हो जाएगा फैसला। ओए, हेलो, किंगडम सर में जा रहा हूँ, इसे ठीक से समझा देना, अगर नहीं समझे ना तो फिर लिखूंगा। बॉक्सर भैया, जरूर लिखूंगा, अब जाओ जाओ। पतलू, लिखने का काम मुझ पे छोड़ दो, तुम बाद में करेक्ट कर देना। हा, 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 ओके, मैं किसी शांत जगह जाकर शांति के साथ लिखूंगा। अरे चुप रहो, मुझे बायोपिक लिखनी है, बायोपिक, भागो। हमारे एरिया में आके हमें ही धमका रहा है, अभी सबक सिखाते हैं, चलो। ओए मोटू, लिखा क्या बायोपिक? ओए बड़े भैया, आपके ऊपर रिसर्च करने के लिए गया था, रिसर्च पूरी हो गई मेरी, अब लिख रहा हूँ। जितना लिखा है उतना ही सुनाओ अभी। सुनाता हूँ, बॉक्सर का बचपना बहुत तकलीफों में गुजरा, बचपन में बहुत खराब लड़का था, सबसे झगड़ता, मार पीट करता था, लोगों के पैसे छीन लेता था, ये बहुत ही खराब लड़का था, बॉक्सर को कोई नहीं चाहता था, बॉक्सर से सब दूर दूर भागते थे। मोटो, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा, मोटो बस करो। ओए, मैं इतना बुरा था, इतना बुरा। ओए, बचपन में मैं खराब आदमी था क्या? क्या लिखा है? बड़े भैया, ट्विस्ट डाल रहा हूँ, ट्विस्ट है। बॉक्सर भैया, बचपन में आप खराब थे, फिर एक दिन एक हादसा होगा, उसके बाद आप सुधर कर डिसाइड करोगे कि बॉक्सिंग करनी है
या फिर कुछ और। अच्छा ऐसा है क्या? ओके आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, ठीक से लिखना, मैं फिर से आऊंगा, फिर सुनूंगा। ओके आता हूँ। तो मोटू बॉक्सर की बायोपिक लिख रहा है। मेरे शैतान दिमाग में एक तूफानी आइडिया काम कर रहा है। बॉक्सर भैया, मोटू मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें खूब बुराई लिखो, खूब बुराई लिखो। बॉक्सर भैया आपको अच्छा अच्छा सुनाएंगे वो, और जब फिल्म बनेगी तो उसमें एकदम से विलेन बन जाओगे आप। जब देखो हमें मारता रहता है, बदला लेने का अच्छा मौका है, बदला लेंगे वो, ऐसा बोल रहे थे। सच्चे? तो पतलू आओ आओ, चाय पियो, मैंने चाय बनाई है। चाय नाश्ता कर लो, फिर आराम से लिखना। अरे क्या बात है, क्या बात है, बॉक्सर भैया ने जिंदगी में पहली बार चाय नाश्ता पर बुलाया है। चलो सब चलते हैं, चलो। बारे में खराब लिख रहे थे, फिल्म में मुझे विलन बनाओगे, बदला लोगे। बॉक्सर भैया ये आपसे किसने कह दिया? अरे जॉन ने बताया मुझे, समझ गए, जॉन ने। बॉक्सर भैया आपको तो पता है ना कि जॉन हमारी बुराई करेगा ही, तो वो नहीं चाहता कि हम आपकी बायोपिक बनाएं। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी सॉरी। ओए मोटू क्या हुआ, लिखे कि नहीं? हो गई है बॉक्सर भैया, एकदम तैयार है। चलो फिर सुनाओ। यही से सुनाऊंगा, बहुत मारते हो आप बड़े भैया, माइक लगा दिया है। हाँ ठीक है, यही से सुनो। बॉक्सर बचपन में लोगों को बहुत मारता था, लोग उससे दूर भागते थे। ट्विस्ट आएगा, बाद में ट्विस्ट आएगा। बॉक्सर पहले तो बुक पेंसिल चोरी करता था, फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया बड़ी बड़ी चीजें चोरी करने लगा। एक बार होटल से खाना चुरा के भाग रहा था। अरे होटल से खाना चुरा के भाग रहा था, ये कब हुआ, कैसे हुआ? ओए क्या लिखा है? बॉक्सर ने होटल का ताला तोड़ दिया, अंदर गया और ढेर सारा खाना डब्बों में भर कर भागा। उसे भागते हुए होटल वाले ने देख लिया। इसके बाद लोग उसके पीछे चोर चोर बॉक्सर चोर चोर चिल्ला कर भाग रहे हैं। पुलिस सीटी बजाती है, वो भी भाग रही है। बॉक्सर एक जगह जाकर रुक जाता है और भीड़ भी पीछे आकर रुक जाती है। सबके पास लाठी है, डंडे है, सब चिल्लाते हैं मारो मारो इसे। बॉक्सर भैया आप ऊपर कैसे आ गए? अरे नहीं नहीं तुम नीचे आ गए, पढ़ो 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 ना। तभी तमाम छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। बॉक्सर उनको खाना देता है और कहता है अंदर जाके आराम से खाओ। बच्चे एक मकान के अंदर चले जाते हैं और तभी भीड़ को पता चलता है कि अरे ये क्या, बॉक्सर गरीब बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है। बॉक्सर के कठोर बदन के अंदर भी एक मोम सा मुलायम दिल है। लोग बॉक्सर को गले लगा लेते हैं और उसे प्रोफेशनल बॉक्सर बनने की सलाह देती है, ताकि वो बॉक्सिंग करके उन बच्चों के लिए पैसे कमा सके। और बॉक्सर तब से बॉक्सर भैया बन जाता है। ओए पापा, अरे मोटू तुमने मुझे रुला दिया रे, क्या बायोपिक लिखी है।
ओए हा। लेकिन तुम्हें मेरे स्कूल के बारे में कैसे पता चला? वो तो मैंने कभी तुमसे बताया नहीं। ओ मेरे भाई, मेरे यार, मोटू ने यूं ही मसाला डाल दिया होगा यारी। बड़े भैया, मसाला नहीं। जब मैं बॉक्सर भैया के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे इस बात का पता चला कि बॉक्सर भैया एक स्कूल भी चलाते हैं, और इसलिए मैं इन पर बायोपिक लिखने के लिए तैयार हुआ। जय हो बॉक्सर भैया। मोटू, सबर करो, आराम से बैठकर समोसे खाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे भाई, तुमने उसे पकड़ा क्यों है? अरे पकड़ता कैसे भाई, भाग गया और फिर दो भेड़िए आ गए, कैसे पकड़ता? अरे भाया, किसे पकड़ने की बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में एक बच्चा है जिसे भेड़ियों ने पाला है, वो भेड़ियों के साथ खेल रहा था, हमें देख के वो भेड़ियों के साथ भाग गया। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ मोटू, मैंने भी पढ़ा है कि भेड़िये ने एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। हम उस बच्चे को बच्चा ना होगा, जंगल में जानवर के साथ इंसान का बच्चा कैसे रह सकता है? मोटू बत्तू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ चिंगम सर, हम तैयार है, चलिए। बॉस बॉस, अपना प्लान सक्सेसफुल। गुड, फंस गए जान में। हाँ बॉस, पूरी तरह। बॉस, अब आप फटाफट जंगल बॉय बन जाओ। बॉस, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो, जरा झूल के चल के भी तो दिखाओ। अरे इतने दिनों से ऐसी ही प्रैक्टिस कर रहा हो, ये देखो। तो खेल शुरू हुआ है, और मेरे मम्मी पापा को तो अभी तैयार करो, जल्दी तैयार करो। वारे वाह, ये हुई ना बात, अब अपनी फैमिली पूरी हुई, एक सेल्फी हो जाए। ये लो बॉस। वो देखो सही में वुल्फ बॉय, अरे वुल्फ के साथ मुर्गी का शिकार कर रहा है। जिंदा मुर्गी खाली? अरे तो क्या मोटू जानवर पका के खाएंगे क्या? ये बच्चा भी बिल्कुल भेड़ियों के जैसा हो चुका है, वुल्फ बॉय। हेलो बच्चे, आ जाओ, करीब आ जाओ। अरे बच्चे, डरो मत, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। आ जाओ बच्चे। बचाओ, अरे मार दिया रे, काट लिया रे। मनु, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे अपनी भाषा सिखाना। बिल्कुल सिखाऊंगा चिंगम सर, जरूर सिखाऊंगा, मैं प्रूव कर दूंगा कि आई एम ए गुड टीचर। हाँ खाना, ये लो खाना।
खाना खाना खाओ 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 खाओ। अरे 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 मुर्गी नहीं खाना, मुर्गी नहीं खाना। मुर्गी खाते हैं लेकिन कच्चा नहीं खाते, पका कर खाते हैं। अरे तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? आप उठो। अरे बॉक्सर भैया, हम इस बच्चे को जंगल से पकड़ कर लाए हैं। इस जंगल में भेड़िये ने पाल पोस कर बड़ा किया है। ऐसा भी होता है क्या? देखो ना, खाने के लिए अभी मुर्गी के पीछे भागा था और हम खाना खिला रहे हैं तो खाता ही नहीं। देखो मैं ट्राई करता हूँ। अब बच्चे चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ ना बच्चे। कम कम। ओए, तेरे वुल्फ बॉय ने बहुत काटा और मेरा गुस्से के मारे में बुरा हाल हो रहा है। वो बच्चा है, उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ, ये लो। ये बच्चा खाना बाहर क्यों फेंक रहा है? अरे इस बच्चे के माँ बाप आए हैं ना उससे मिलने के लिए, तो बाहर से वो आवाज दे रहे हैं और ये घर का खाना बाहर फेंक रहा है। देखो ना यार, ये अच्छा है, बॉस उधर से खाना फेंकते रहेंगे, हम इधर खाते रहेंगे, जिंदगी मस्त गुजरेगी। और तो और, रात में बॉस चोरी करने भी जाएंगे। पतलो, इस बच्चे को जमीन पे सोने की आदत होगी, इसका बिस्तर नीचे लगा देती है। हाँ बच्चे, बिस्तर लगा दिया है, सोना बिस्तर, नींद नींद। मोटू जागो जागो मोटू, देखो ये बच्चा कहाँ गया। ओह, सुकून मिला। अरे मोटू अंदर से कुंडी लगा के सो, नहीं तो ये बच्चा फिर से भाग जाएगा। ठीक है पतलू, मैं संभाल लेता हूँ। बच्चे सो जा पोगली पोगली सो जा। कुंडी तो बंद कर सोए थे, जरूर ये कुंडी खोल के अपने मम्मी पापा से मिलने गया होगा। ये बच्चा भी ना। सिंगम के चंगुल से बचना याम पॉसिबल है, याम पॉसिबल। क्या उधर चोरी हो गई, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन किधर किधर पकड़ूंगा, हर जगह चोरी हो रही है। हमारे मोटू पतलू क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, शहर में चोरियां ही चोरियां हो रही है और सीसीटीवी में चौन ही दिखता है।
आप मुझे सारे सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए। मोटू तुम्हारा पोगली तो चोर निकला, तभी रोज रात को पोगली घर से गायब हो जाता था। हेलो पोगली, जरा मास्क तो उतारो। बेटा चाहे कुछ भी कर लो हमेशा पकड़ा जाता हूँ रे बाबा। हम इसके मम्मी पापा को अभी पकड़ के लाते हैं। मोटू तुम इसके मम्मी पापा को पकड़ के लाओ और तब तक मैं पोगली की कातिरदारी करता हूँ। जाओ अपने बेटे के पास जाके खेलो कूदो। बॉस बॉस प्लान तो परफेक्ट था, पकड़े कैसे गए? मोटू पतलू के आगे हर प्लान फेल हो जाता है बाबा।